हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पाठशाला, जिसमें आज हम करने वाले हैं जो एग्रीकल्चर का जो नया डाटा रिलीज हुआ है उसके बारे में। तो जो आइए करते हैं, तो जो भारत का जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, वो 307.5 मिलियन हेक्टेयर है। और जो लैंड यूटिलाइज एरिया है वो कितना, 306.54 मिलियन हेक्टेयर। और जो भारत का ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो कितना है, 211.36 मिलियन हेक्टेयर। और जो नेट एरिया सोवन क्षेत्र है वो कितना है, वो 139.9 मिलियन हेक्टेयर है। तो जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है वो क्या होता है, जो हम तीन सीजनों में फसलें बोते हैं, खरीफ, रबी और जायद, उनका सभी मिला क्षेत्र होता है। और जो सोवन क्षेत्र है वो क्या होता है, वो जो कोई इनमें से सबसे अधिक जो क्षेत्र में बोया जाता है वही वही नेट एरिया सोवन क्षेत्र होता है। आगे है जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू रिपोर्टेड एरिया है वो कितना परसेंटेज है, वो 68.95%। और जो नेट क्रॉप्ड सोवन टू रिपोर्टेड एरिया है वो कितना है, 45.64%। और जो भारत की क्रॉप इंटेंसिटी है जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है वो कितनी है, 151.08%। और जो नेट इरिगेटेड एरिया है वह कितना है भारत में, 75.46 मिलियन हेक्टेयर। और जो भारत का ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है वह कितना है, 112.23 मिलियन हेक्टेयर। अगर इरिगेशन इंटेंसिटी की बात करें वह कितनी है भारत की, तो 148.73%। तो आइए अब आगे बात करते हैं। तो जो भारत में प्रोडक्शन है फील्ड क्रॉप का, तो वो कितना है, जो राइस यानी कि जो धान है, धान का जो प्रोडक्शन है वह कितना है, वो 129.471 मिलियन टन है। और जो वीट यानी कि गेहूं का है वह कितना है, 107.742 मिलियन टन्स। जो टोटल सीरियल क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वह कितना है, 288.314 मिलियन टन। और जो न्यूट्री यानी जो मोटे अनाज होते हैं उनका प्रोडक्शन कितना है, 51.101 मिलियन टन। और जो टोटल पल्सिस का जो प्रोडक्शन वह कितना है, 27.302 मिलियन टन। और जो फूड ग्रेन कितना क्या होता है, वो पल्सिस और सीरियल क्रॉप्स का को क्या कहते हैं, फूड ग्रेन्स कहते हैं। तो ये टोटल कितना है, 350.616 मिलियन टन। और जो जो हमारी थ्री जो हमारी नाइन ऑयल सीड क्रॉप है उनका प्रोडक्शन कितना है, 37.963 मिलियन टन। और जो शुगर कैन का जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, वो 439.425 मिलियन टन। और जो कॉटन का जो प्रोडक्शन हुआ है वो 31.118 मिलियन बेल, यानी कि एक बेल में कितना किलोग्राम होते हैं, 170 किलोग्राम होता है। आइए आगे चलते हैं। जो लीडिंग स्टेट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि किस फसल का किस क्षेत्र में यानी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या कहाँ बोए जाते हैं, तो अगर फूड ग्रेन की बात करते तो सबसे अधिक जो फूड ग्रेन का जो एरिया है यानी कि जो बोया जाता है वो कहाँ बोया जाता है, उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान और थर्ड पे आता है कौन, मध्य प्रदेश। अगर प्रोडक्शन की बात करें फूड ग्रेन में, तो सबसे अधिक जो प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन का वो कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश और थर्ड पंजाब। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी वह होती है जो प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम या कितने क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है, तो सबसे अधिक जो प्रोडक्टिविटी किस राज्य की है वह पंजाब की है, कितना, 4606 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
और जो नेशनल अगर भारत की बात करें तो भारत की प्रोडक्टिविटी कितनी है, 2,394 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर राइस की बात करें तो राइस का सबसे अधिक जो बोया जाता है, सबसे पहला कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, सेकंड वेस्ट बंगाल और थर्ड पर आता है कौन, उड़ीसा। अगर प्रोडक्शन में बात की जाए, प्रोडक्शन में सबसे अधिक प्रोडक्शन कौन करता है, उत्तर पश्चिम बंगाल, सेकंड उत्तर प्रदेश और थर्ड पर आता है कौन, पंजाब। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक कहाँ होती है धान की, वो कहाँ होती है, पंजाब में। अगर नेशनल और उस नेशनल कितनी होती है वो 4,366 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और अगर ये नेशनल की जो प्रोडक्टिविटी है वो पंजाब से कम है, कि तो नेशनल की कितनी है, 2,717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है जो वीट, यानी कि जो गेहूं की अगर बात करें, गेहूं का जो सबसे अधिक बोया जाता है कहाँ, यूपी में, सेकेंड मध्य प्रदेश और थर्ड पंजाब। अब प्रोडक्शन सबसे अधिक भी कहाँ होता है, यूपी में ही होता है, और सेकेंड पे मध्य प्रदेश और थर्ड पे कौन आता है, पंजाब। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक कहाँ होती है, पंजाब में ही होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रीशियल्स, यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं, तो मोटे अनाज सबसे अधिक कहाँ बोए जाते हैं, वो राजस्थान, सेकंड पे आता है महाराष्ट्र और थर्ड पे आता है कौन, कर्नाटक। अब प्रोडक्शन न्यूट्रीशियल्स का कहाँ होता है, वो राजस्थान, सेकंड पे आता है कर्नाटक और थर्ड पे आता है कौन, महाराष्ट्र। और अगर प्रोडक्टिविटी की बात करी जाए तो मोटे अनाजों की जो प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है, सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में। अगर सोरगम यानी कि जो ज्वार की बात करें, तो ज्वार सबसे अधिक कहाँ बोया जाता है, महाराष्ट्र में बोया जाता है। प्रोडक्शन भी कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में ही होता है, परंतु जो प्रोडक्टिविटी है सोरगम की वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश। अगला है बाजरा, तो बाजरा सबसे अधिक कहाँ बोया जाता है, राजस्थान, और प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ होता है, राजस्थान में ही होता है, जबकि प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर कहाँ की है सबसे अधिक, वो कहाँ है, हरियाणा की। नेक्स्ट है मेज, यानी कि मक्का, मक्का सबसे अधिक कहाँ बोई जाती है, कर्नाटक में। उत्पादन भी कहाँ होता है, कर्नाटक में, परंतु जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ है, तेलंगाना में। नेक्स्ट है जो टोटल पल्सिस, यानी कि जो हमारी दलहन फसलें हैं, तो दलहन फसलों का सबसे अधिक क्षेत्र जो बोया जाता है वो राजस्थान में बोया जाता है, और सेकेंड स्थान पर कहाँ बोया जाता है, मध्य प्रदेश में। जबकि प्रोडक्शन सबसे अधिक दालों का कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, और सेकंड पे कहाँ, महाराष्ट्र में। और प्रोडक्टिविटी जो सबसे अधिक कहाँ होती है, वह गुजरात में होती है। नेक्स्ट है जो ग्राम यानी कि चने की अगर बात करें, चना सबसे अधिक कहाँ बोया जाता है, महाराष्ट्र में बोया जाता है, सेकंड स्थान पर कहाँ बोया जाता है, मध्य प्रदेश में। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो चने का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, और सेकंड पे कहाँ, महाराष्ट्र में। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करी जाए तो प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक चने की कहाँ होती है, वो गुजरात में होती है। अगर अरहर की बात करी जाए तो अरहर सबसे अधिक कहाँ बोया जाता है, वे कर्नाटक में बोया जाता है, सेकंड पे कहाँ बोया जाता है, महाराष्ट्र में। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन सबसे अधिक अरहर का कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, और सेकंड स्थान पे कहाँ, कर्नाटक। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करी जाए तो प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक कहाँ है अरहर की, वो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है मसूर या लेंटिन, तो अगर मसूर सबसे अधिक कहाँ बोई जाती है, और प्रोडक्शन भी और प्रोडक्टिविटी भी सभी कहाँ होती है इसकी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है जो टोटल ऑयल सीड क्रॉप है, जो हमारी तिलहन फसल है, उनका सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ बोया जाता है, मध्य प्रदेश में, और सेकंड कहाँ, राजस्थान। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन टोटल ऑयल सीड का सबसे अधिक कहाँ होता है, राजस्थान में, और सेकंड स्थान पे किसका, महाराष्ट्र। और प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक टोटल ऑयल सीड की कहाँ होती है, वो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है ग्राउंड नट, यानी कि जो हमारी एक तिलहन फसल है मूंगफली,
तो मूंगफली का जो क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ बोया जाता है, गुजरात में, तो प्रोडक्शन भी कहाँ होता है, गुजरात में। अगर प्रोडक्टिविटी यानी कि जो उत्पादकता है वो सबसे अधिक कहाँ होती है मूंगफली की, वो तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट है जो रैप सीड एंड मस्टर्ड यानी कि जो राई व सरसों है, राई व सरसों का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ बोया जाता है, राजस्थान में। प्रोडक्शन भी कहाँ होता है, राजस्थान में। और जो प्रोडक्टिविटी है जो राजस्थान से लगा हुआ हुआ राज्य हरियाणा वहाँ होती है। अगली है सोयाबीन। सोयाबीन का जो सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ बोया जाता है, मध्य प्रदेश में। और दूसरे स्थान पर कहाँ बोया जाता है, महाराष्ट्र में। जबकि प्रोडक्शन में क्या होता है, सोयाबीन का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। और सेकेंड स्थान में किसका, मध्य प्रदेश। और प्रोडक्टिविटी जो सोयाबीन की सबसे अधिक कहाँ है, तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि जो सनफ्लावर यानी जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी सबसे अधिक कहाँ बोई जाती है, कर्नाटक में। उत्पादन भी कहाँ होता है, कर्नाटक में। और प्रोडक्टिविटी कहाँ की है, हरियाणा की। नेक्स्ट है जो कॉटन यानी कि अगर जो कपास की बात करें, कपास का जो सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ बोया जाता है, महाराष्ट्र में। और सेकंड में कहाँ बोया जाता है, तेलंगाना में। जबकि प्रोडक्शन सबसे अधिक भी कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। और सेकंड स्थान प्रोडक्शन कहाँ होता है, गुजरात में। और प्रोडक्टिविटी किस राज्य की है सबसे अधिक, वो कपास की, वो राजस्थान की है। नेक्स्ट है जूट। जूट सबसे अधिक किस राज्य में बोया जाता है, प्रोडक्शन भी एक ही राज्य में होता है, प्रोडक्टिविटी भी एक ही राज्य में होता है, तो उस राज्य का क्या नाम है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है शुगर कैन यानी कि गन्ना। गन्ने की सबसे अधिक बुआई कहाँ होती है, वो यूपी में होती है, उसके बाद कहाँ होती है, महाराष्ट्र में होती है। प्रोडक्शन भी सबसे अधिक कहाँ होता है, यूपी में होता है, उसके बाद कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। जबकि प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक गन्ने की कहाँ होती है, वो तेलंगाना में होती है। नेक्स्ट है टोबैको यानी तंबाकू। तंबाकू का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ बोया जाता है, गुजरात में बोया जाता है। प्रोडक्शन कहाँ होता है, प्रोडक्शन भी गुजरात में होता है। जबकि प्रोडक्टिविटी कहाँ है इसकी, यूपी में है। तो ये थे। नेक्स्ट है जो पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन पर एनम इन इंडिया यानी जो एक पर व्यक्ति के लिए जो उपलब्ध फूड ग्रेन है तो वो कितना है। अगर राइस की बात करें तो राइस पर एनएम कितना है, वो 73.3 किलोग्राम पर ईयर है। और जो वीट यानी कि गेहूं है वो कितना है, 67 किलोग्राम पर ईयर है। और जो अदर सीरियल क्रॉप्स की बात करें वो कितना है, 30.2 किलोग्राम पर ईयर। अगर टोटल सीरियल्स की बात करें तो 175.5 किलोग्राम पर ईयर है। और पल्सिस की बात करें वो है 16.3 किलोग्राम पर ईयर। अगर टोटल फूड ग्रेन यानी टोटल फूड ग्रेन में क्या आता है, पल्सिस जो है सीरियल्स क्रॉप, तो वो कितना है, 186.8 किलोग्राम पर ईयर। और एडिबल ऑयल की बात करें जो खाने वाला तेल होता है पर व्यक्ति के लिए, तो कितना है, 19.7 किलोग्राम पर ईयर। शुगर की बात करें वो कितना है, 19.5 किलोग्राम पर ईयर। अगर टी यानी कि चाय की बात करें तो चाय कितनी है, वो 863.63 ग्राम पर ईयर। और कॉफ़ी कितनी है, 100 ग्राम पर ईयर। तो ये एग्रीकल्चर के न्यू डाटा थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।